डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू यूर चैनल अजय कॉमर्स गुरु प्यारे प्यारे बच्चों एज यू नो हमने डेप्रीसी का अकाउंटेंसी का एम सी क्यू सीरीज चला रखा है जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इतना हेल्पफुल क्यों होने वाले हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारी बुक्स है जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों लेकिन मैं जो आपको स्पेशल चीजें देने वाला हूं उसमें क्या है हर चैप्टर का चैप्टर वाइज फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक टॉकिंग अबाउट फाइनल अकाउंट तो एवरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ चैप्टर्स के फुल फ्लैश वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है आप वहां पर देख सकते हैं और जो चीज़ें नहीं है मैं कोशिश करूंगा वो भी साइड बाई साइड आपके लिए बनाता जाऊं लाइक डेप्रीसी हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों और डेप्रीसी लास्ट क्लास मैंने आप लोगों से दस क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोगों से मुझे रिवॉर्ड क्या चाहिए रिटर्न क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका एडवांटेज ले सके तो आइए बच्चों हम आगे मूव करते हैं और आप मेरे साथ स्लाइड पे आ जाए वहां हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं लेट्स कम ऑन स्लाइड बच्चों हाँ जी बेटे क्वेश्चन नंबर वन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रीसिएशन बहुत सिंपल क्वेश्चन डिमिनिशिंग मेथड के अंदर जो डेप्रीसिएशन है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्वेश्चन नंबर वन बेटे आपसे क्या पूछा गया है डिमिनिंग के अंदर डेप्रिसिएसन कम होगा या ज़्यादा होगा बेटे एज यू नो दो मेथड है डेप्रिसिएशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मेथड है एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हो और रिटर्न डाउन का रूल क्या है एवरी ईयर वी विल चार्ज द डिप्रिसिएसन ऑन बुक वैल्यू बचे हुए वैल्यू के ऊपर करते हो तो डेप्रिसिएसन इसके अंदर डिक्रीज होगा क्वेश्चन नंबर वन बेटे अगर मैं अब बात करूं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड भाई डिप्लेशन किसके लिए यूज करते हो बेटे डिप्रिसिएशन de का मतलब भी होता है वैल्यू कम होना और डिप्लेशन का मतलब भी होता है वैल्यू कम होना तो डिप्लेशन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं इंटेंजिबल के लिए नहीं सर इंटेंजिबल के लिए रिटर्न ऑफ यूज करते हैं फिक्सड के लिए नो सर डिप्रिसिएसन यूज करते हो तो इसके लिए हम लोग नेचुरल रिसोर्स के लिए यूज करते हो तो क्वेश्चन नंबर टू आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हम डिप्रेशन वर्ड नेचुरल एसेड्स के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट बेटे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सड एसेट्स अपियर्ड ऑन द बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अगर हम एसेट्स बेचते हो और उस दरमियान हमें कोई लॉस होती है तो उसका हम क्या करेंगे तो बेटे लॉस को हम मशीनरी अकाउंट में यानी कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाते हो तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे बहुत सिंपल है बेटे जब आप फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट ओपन करते हो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाए ट्रक अकाउंट बनाए वैन अकाउंट बनाए तो फिक्स्ड एसेट्स का प्लस का साइड डेबिट साइड होता है बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ऑन द डेबिट साइड माइनस का साइड क्रेडिट का होता है तो अगर लॉस होती है तो हम फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट साइड दिखाते हैं अब आइए ऑप्शन पे बेटे क्या बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि लॉस किधर अपीयर होगा तो सर लॉस अपीयर होगा क्रेडिट साइड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कौन से साइड जाएगा जी क्रेडिट साइड जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे डेप्रीसी का अमाउंट मशीनरी अकाउंट में कहाँ पर जाएगा डिप्रिसिएशन जब आप लगाते हो सॉरी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू जब हम डेप्रीसी लगाते हो तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे तो देखो दोस्तों डेप्रिसिएशन जब लगाते हो तो जर्नल क्या बनाते हो सर जर्नल हम बनाते हो डेप्रीसीन लगाने के लिए डेप्रीसीन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट या टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट यही अकाउंट जर्नल बनाते हैं यानी कि डेप्रीसीन को आप डेबिट करते हो देखो क्वेश्चन में आओ तो क्या पूछा आपसे क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ डिप्रीसी को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे तो डेप्रीसी अकाउंट डेबिट होगा नेक्स्ट बेटे इनमें करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है आपने क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा देखो जी चार ऑप्शन आपके पास क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा एडुकेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकॉर्ड डेप्रिसिएशन नीड टू बी चार्ज हमें ज़रूरत पड़े खर्चे को रिकॉर्ड करने की तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं गलत बात है रिजर्व क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर एक्सपेंस और लॉस द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन गलत है ये भी बेटे क्रिएट ऑफ रिजर्व रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट ये भी गलत है यानी सारे ही गलत है इसके अंदर सारे ही इनकरेक्ट होंगे ऑल ऑफ द दीज यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा नेक्स्ट अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना बेटे है ना मेकिंग एक्सेस एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्ड्स अप द अप्रेट रिजर्व इन बिजनेस ऐसा नहीं कर सकते आप कैपिटल रिजर्व आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नेक्स्ट बेटे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इन एग्जाम्पल ऑफ जनरल रिजर्व क्या करेक्ट रहेगा इसके अंदर मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्ड्स ऑफ द सेक्रेट रिजर्व इन द बिजनेस दूसरा बोला बेटे कैपिटल रिजर्व नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ़ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डिविडेंड, तो बेटे इसमें आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्ड ऑफ द सेक्रेट रिजर्व इन द बिजनेस नेक्स्ट बेटे करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है आपने क्या होगा करेक्ट स्टमेंट देखो जब पहला ही ऑप्शन के अंदर गलत बोला है जनरल रिजर्व कैन बी यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ क्या हम जनरल रिजर्व को सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं नो सर आप जर्रल रिजर्व जो क्रिएट करते हो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो तो false, B, ए इज फॉल्स बी ट्रू ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा बेटे ये तो फॉल्स हो गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इफ अ कंसर्न डिसकॉन्टिन्यूट बिजनेस फ्रॉम मार्च टू थाउजेंड फाइव एंड डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स विद इन द पीरियड ऑफ फोर मंथ द बैलेंस शीट एज ऑन दिस शुड बी इंडिकेट तो बेटे उस सिचुएशन में आप बैलेंस शीट कैसे शो करेंगे तो बैलेंस शीट शो होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स रिटर्न ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ एक ऐसा मैथड बताइए जिस मैथड के अंदर मशीन पूरे लाइफ में मशीन का पूरा कॉस्ट जो होगा वो राइट ऑफ हो जाएगा तो बेटे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर जैसे स्ट्रेट लाइन मैथड के अंदर मैंने वन लैक का मशीन लिया है ना तो वन लाख का मशीन अगर आप टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड करके टेन ईयर डिप्रीसिएशन लगाएंगे तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका जो इक्वल प्रोपोर्शन में राइट right ऑफ हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके अंदर क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट टाइम लगा लेके कि इसमें करेक्ट आंसर आपको बता देना है कि इसमें करेक्ट क्या होगा इनकरेक्ट सॉरी तो इनकरेक्ट तो ऑप डेटे ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी इनकरेक्ट है अभी पढ़ाया था आपको ऊपर कि डिप्लेशन टर्म को हम लोग यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यहां पर क्या बोलता है डिप्लेशन टर्म इज यूज इन केस ऑफ इंटेंजिबल तो ये इनकरेक्ट है बेटे नेक्स्ट इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू आप जितने बेच रहे हो बुक वैल्यू से कम में बेच रहे हैं तो बेटे समझदार आप लोग लॉस होगा ये क्वेश्चन मैं अभी आप आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सम ऑफ यर डिजिट मेथड है नेक्स्ट बेटे एब्सोलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन एसेट्स में भी कॉज्ड बाय तो बेटे इसमें जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर वो सारे रीजन हो जाएंगे डिप्रिसिएशन लगने के टेक्नोलॉजिकल वजह से भी वैल्यू कम होती है प्रोडक्शन मैथड में अगर कोई इंप्रूवमेंट हुआ है तो उसके वजह से भी होगा चेंज इन मार्केट डिमांड है ना तो सारे ही मैं इसके अंदर ऑप्शन होंगे नेक्स्ट प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ फिक्सड एसेट्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट कहाँ जाएगा मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ कि भाई डेबिटेड टू कहाँ पर जाएगा तो जब आप फिक्स्ड एसेट्स बनाते हो ये फिक्स्ड एसेट्स का प्लस का साइड या माइनस का साइड तो अगर प्रॉफिट होगी तो प्लस वाले साइड में आप शो करेंगे देखिए प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज डेबिटेड टू कौन से एसेट्स के कहाँ पे डेबिट होगा तो सर फिक्सड्स अकाउंट के अंदर वो डेबिट हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो आप लोगों को चीज़ें समझ आई है जहाँ पर प्रॉब्लम हो जहाँ पर कोई आपका सजेशन हो चीज़ों को और इम्प्रूव कैसे करी जाए आप कमेंट बॉक्स में लिखे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास व्हाट्सएप करें मुझे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो so मच बच्चों